हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे नारियल की चटनी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नारियल की गिरी ली है और इसके पीछे जो ब्राउन पार्ट होता है वो मैंने चाकू से निकाल दिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ दो हरी मिर्च ली है, इसके एंड्स में निकाल दे रही हूँ। अब हम नारियल और हरी मिर्च के मीडियम साइज़ के टुकड़े काटकर एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी तीखी आपको चटनी बनानी है उतनी ज़्यादा हरी मिर्च आप इस चटनी में डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसकी पेस्ट बना लेनी है। मैंने यहाँ एक नारियल की पेस्ट बनाने के लिए करीब आधा गिलास पानी यूज़ किया है। इसके बाद हमें इसमें तड़का लगाना है, उसके लिए हम एक कड़छी में तेल लेंगे। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल है तो आप वही यूज़ करें। तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने। मस्टर्ड सीड्स को पकाने के बाद हम इस तड़के को चटनी के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हमारी नारियल चटनी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।